अक्सरा चली अपने एनसीसी टूर पे, सर के साथ जा रही है सारी लड़की, सब अपने अपने बच्चों को ए सी ऑफ करने के लिए आए हुए, लड़के सारे गए बस में जाएंगे। अच्छा जी, सब सेफ जर्नी, टेक केयर, को मजे करना, एंजॉय योर सेल्फ, और अच्छे से अपना एनसीसी कैंप अपना खिड़की खोल के बैठोगे तुम, खिड़की खोल के कोई दिक्कत तो नहीं, एंजॉय कर लो। एक बैग पर गेट खोलना, पैरों में तो नहीं आने का बैग, किसका है? हां देखिए, एंजॉय योर जर्नी, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, बाय बाय। अभी पहुंच जाए, दो ढाई घंटे का इनका सफर है। The next day, देखिए गाइस, अक्सरा चली गई एनसीसी कैंप में और अपना सामान भूल गई, ये बेल्ट भूल गई एनसीसी की। अब ये बेल्ट बिना वहां काम नहीं चलेगा भाई, ड्रेस तो प्रॉपर चाहिए। एक टैब मंगाया, टैब भी दे के आऊँगा, टैब भी भूल गई, चार्जर वार्जर दो तीन चीज़ भूल गई। अब मैं जा रहा हूँ उसको सामान दे रहे पहुँचाने के लिए, वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाऊँगा और 100 किलोमीटर वापस आऊँगा। और कुछ कहना है? तो वापिस लाने का सामान वो ले आऊंगा, जो एक्स्ट्रा दे गई है वहाँ तो मिल गया, बिछाने खाने की करते हो तो मिल गया, सब खाने पीने की भी सही है। चलो जी चलते हैं और बाकी आपको दिखाएंगे कार रुके हुए इस बार में, ये भी देखेंगे कैसा स्कूल और कार रुके हुए, उनकी लोकेशन कैसी है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। वैसे तो सर मिलने को देंगे, पेरेंट्स वगैरह को मिलने देते हैं बस। One hour later, पहुंच गया भिवानी, यहाँ का मस्जिद के लिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर भिवानी प्रवास सिवानी 50 किलोमीटर और जा रहा है, आया हूँ मैं 1 घंटा वाले। हमने भिवानी क्रॉस कर लिया, आउटर में आ गया, तो शाम होके शिवानी जाएंगे। भैया मेरी हो गाड़ी घर खत्म रास्ते में, आपसे अपने यहाँ भिवानी तो शाम रोड पे, और मैं ठीक करवा रहा था अपने मिस्त्री के पास, लेकिन खर्चा मांग गजब बेइज्जती है। 20 minutes later तो शाम की पहाड़ियाँ, यहाँ से हम निकल गए हैं बस से शिवानी के लिए, शिवानी पड़ता है बीकानेर रूट पे, शिवानी से बीकानेर जाना हो रोहतक से बीकानेर, दिल्ली से बीकानेर, तो वो रूट है ये रोड बाय रोड वाला। तो शाम है ये पहाड़ आपके बस स्टैंड, टाइम से निकल गए, आधा घंटे में शिवानी
हम अक्सर बेटिया के पास पहुँचते हैं, फिर वापस रिटर्न एक घंटा 4-5 बजे करीब हुआ रिटर्न करके 7-8 बजे वापस रोड तक पहुँच जाऊँगा। जी कृष्णा प्रणामी स्कूल शिवानी का यहाँ पहुँच गया मैं। सामने सामने ही है कुछ रेजिडेंस मिनिस्टर का कुछ मोटा। अच्छा ये हमारे हमने ऑटो करके लाया हूँ मैं वहाँ से बस स्टैंड से। वो ये देखिए पीटी खड़ी हो रही है बच्चों की, मैं मिलने आया हूँ अक्सरा से, अभी आएगी वो भी अलग अलग स्कूलों के साथ। ये हमारे सारे मेंबर सब खड़े बुलाया हुआ अक्सरा को, अभी आएगी कुछ हो जाएगी देखते। पापा आए तो दूर से और दे दिया सर को, और ये बैग तेरे को वापस कुछ देना हो तो वो दे दे, खाली बैग ले जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, ये सामान रख के ले जाए आप तो वहां से वहां दे देना है रख के और ले जा सर, यहीं से ले जाऊंगा। ठीक है जी जा रहा हूँ। अच्छा बेटा कुछ रहा आ जाइए आ रहा हूँ। ये जी इनका स्कूल इतना बड़ा सब जगह यहाँ पे हो गई दौड़ के वो बच्चा वाला गया वहाँ, चाय का टाइम हो गया इनकी चाय की लाइन लग रही। लो जी अब हम उतरते हैं अपनी वापसी, इनके हॉस्टल हॉस्टल हैं सब बच्चे यहाँ रुकते हैं। भी वापिस चलते हैं अपने घर। आपका बहुत धन्यवाद, आप कहीं देर रुके तो हो गया 5 बजे यहाँ गेट पे बिठा रखे संतरी। ये भाई अच्छा मिल गया, इसने बड़ी हेल्प करी भाई इतनी दूर आके हमारी, काफ़ी देर एक घंटा यार रुका भी रहा, अभी वापिस मुझे बस स्टैंड छोड़ के आएंगे आराम, बस मैं बैठ के फिर आऊँगा। फिर यहाँ पे थोड़ा आउटर एरिया है, कुछ साधन इतने कम है, बढ़िया ऑटो वाला मिला मुझे काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है। ओके भाई टाटा स्कूल पब्लिक स्कूल श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल है ये शिवानी में। इसके आस पास है खाली एरिया है बिल्कुल, चलने लग गया है आराम से पहुंच जाएंगे हम। ब्रेड है, ब्रेड पकौड़ा है नहीं वैसा ही है सिंपल 20 वाला हमारे ब्रेड पकौड़े चाहे आपका। जी मेरी बस हरियाणा रोडवेज सिरसा दिल्ली एक्सप्रेस बढ़िया चल रही है, वैसे कहते तो हरियाणा रोडवेज बदनाम है लेकिन बढ़िया चला रही है। एक घंटे में हम रोड तक पहुँच गए हैं, मैं पहुँच जाऊँगा। नहीं बचुआ
तू ना उठ सकत है, एक बबूल खाई हुई और कछुआ भी उड़ सकत है। दैया रे दैया, ये तो चार भैया की बहना भी उड़त है। और अभी तो रुको। A few moments later, रिवर्स गियर लगा के और पीछे करके बैक कर लो और स्कूटी की वो कहीं स्कूटी का मत कर देना, स्कूटी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। थोड़े से देना बजा, तेरे साथ पीछे बैठने में रिक्श है, आज ये रिक्श नहीं उठा सकता। वाह बिट्टुआ, तूने तो DMU EMU सब चला डाली, ये सब बिग बबूल का कमाल है। 5 minutes later, अक्षरा बिटिया एनसीसी कैंप में गई है, उसकी याद आ रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ की सहेलियाँ, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं मगर वो फ़ोन लेके नहीं गए। हमारी बेटी के पास फ़ोन है लेकिन वो करवाती है बात, लेकिन वो का बच्चे नहीं करते। पहली बार गई है इसलिए थोड़ा हमें भी वो हो रहा है, उसका मिस कर रहे हैं। Are you missing your baby me wishes? Okay, ये कब क्या हो रहा है? आ गया वो साइकिल लेकर, बोल रहा है मेरी लाइटिंग का व्लॉग बुलाओ, मैं क्या क्या लाइटिंग दिखाएगा देखो अभी। हाँ भाई, अरे वाह फ्रंट लाइट भी दिया है ये तो, अच्छा पूरी इसने मारुति सुजुकी बना दी। तो ये इसका हॉर्न दिखा, ऐसा हॉर्न है एकदम बाइक जैसा है, रेसिंग साइकिल बना दी होती है, घर में ही मॉडिफिकेशन कर दिया हमने इसका। उसी की लाइट है साइकिल वाली, हाँ एकदम ऐसे लग रही कोई बाइक आ रही है और ब्लिंकिंग भी कर रही है, इसका हैंडल ढीला हो जाएगा ऐसे बार बार जंप करवा कर, स्टंट बहुत मारता है। ऐसे स्टंट मत मार, आराम से चलाया जाए, स्टंट मत मार, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं सनम। मामा जी, 3-4 दिन हो गए अक्षरा बेटी, 4 दिन हो गए थे, अब इसको भी उसकी याद आने लग गई, इन दोनों बहनों का तो आपस में इतना ना, कल तो ये रोने भी लग गई थी याद करके इस टाइम, और दोनों बहुत यहाँ उसके आपस में बातचीत करती हैं और खेलती हंसती बोलती रहती पढ़ती हैं, तो उसके बिना इसको बड़ा अलोन फील हो रहा है, लोनलीनेस। तो ठीक है बेटे आ जाएगी, ये 2-4 दिन की बात हो रही है, वो एक वैसे एक हफ्ता लगे, एक हफ्ते की बात है, सर्दी का टाइम है, दिन छोटे हैं, जल्दी निकल जाएंगे। चलो क्या कहना चाहती हो उसको, अक्षरा बेटिया को आ जाएगी वो थोड़े दिन में, वो वहाँ पे कुछ रहे वहाँ पे, अच्छा मन लग जाएगा उसका वहाँ पे, वहाँ पे ब्लॉग डाल दूंगा ना वो देख लेगी, मन लग गया तो उसका वहाँ पे आ जाएगी कुछ दिनों में। चलो ठीक है, तू उदास मत होया करे भाई, कभी-कभी लगता है ऐसे, नहीं तो बिजी रहते हैं स्कूल ट्यूशन वगैरह। बी हैप्पी एंड
वो भी अपना अच्छे से कैंप पूरा करके आ जाएगी, फिर उसके बाद साथ ही रहना। थैंक यू।